दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो UP SSC में भर्तियां होती हैं उन भर्तियों के रिजल्ट आपको मालूम है, मैंने कल भी बताया था आपको, अमूमन 5 से 8 साल के अंदर आते हैं। मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए तो 4 साल में, जैसे लेखपाल का रिजल्ट आया था आपको मालूम ही है, जानकारी होगी होगी। बाद बाकी रिजल्ट 6 से 8 साल हो जाती हैं तब उसके बाद रिजल्ट कहीं आता है और छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे पैट से 2022 से जगह निकली, मतलब नोटिफिकेशन आए, उसका कोई भी परीक्षा नहीं हुई। पैट 2023 से नोटिफिकेशन आए, कोई परीक्षा नहीं हुई। कुछ तो बहुत पुरानी पुरानी भर्तियाँ 2015 के इंटरव्यू शेष हैं। अभी मैं दिखाऊंगा टोटल 32 जो भर्तियाँ हैं उनके मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, मामला कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो 32 भर्तियाँ, अंदाज लगाओ 32 भर्तियाँ बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा बंद, जैसे BDO की बात करें, हम BDO का रिजल्ट आना बाकी है। जब उन्होंने कहा था कि BDO का रिजल्ट हम जुलाई में दे देंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था जुलाई, ये कहने को कह रहे हैं लेकिन जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा, अगस्त में आएगा, तो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। वन दरोगा का रिजल्ट भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट सितंबर में देखने को मिलेगा। कंबाइंड टेक्निकल का 2016 की भर्ती है, अब अंदाज लगाओ 2016 की, अब 24-8 साल हो गई, इस भर्ती का रिजल्ट नहीं आया। JEE का रिजल्ट आ गया है, जॉइनिंग में भी शेष है, फार्मासिस्ट का, और अन्य बहुत सारी भर्तियों को लेकर आज UP SSC आयोग पिकअप जो भवन है उस पर छात्रों का हल्ला बोल है। उन छात्रों का सिर्फ यही कहना है कि अब ये बताओ कि अगर 8-8 साल, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, 8-8 साल में, 6-6 साल में अगर भर्तियां कंप्लीट होंगी, ज्वाइनिंग होगी, तो बताओ छात्र किस काम का रहेगा। और दूसरा, आप मतलब एग्ज़ाम ले लेते हो तो रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट दे देते हो तो आगे की प्रोसेस पूरी नहीं होती, DV करा ले तो फाइनल रिजल्ट नहीं आता और आपकी परीक्षा नहीं होती। तो बहुत सारी जो है इसमें कमियाँ हैं, उनको सुधार करने के लिए आज UP SSC में मतलब पहले हवन पूजा होगी, उसके बाद मतलब छात्रों का ये कहना है कि ये UP SSC थोड़ा सा पता नहीं क्या है, भूत बिहार लग गई है इस पर, तो इसके चक्कर में आज 9 बजे से इस पर हल्ला बोल है UP SSC में, और ज़ोरदार प्रदर्शन है। अगर साथियों आप लखनऊ के हैं और लखनऊ के आसपास के हैं तो ज़रूर पहुंच जाइएगा आप, मतलब 9 बजे ना पहुंचे, 9:30 बजे पहुँच जाओ, ये बात होती है, लेकिन आप पहुंचोगे तो थोड़ा उन लोगों को हौसला ज़रूर मिलता है जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। और हर भर्ती के छात्र, कोई स्पेशल भर्ती नहीं है इसमें, हर भर्ती के छात्र जितने भी भर्तियाँ हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई, इनके रिजल्ट आने हैं या इनकी परीक्षाएँ होनी है, उन सभी के लिए, छात्रों के लिए अनुरोध किया गया है कि आप ज़रूर से ज़रूर आइए और यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाइए। और बात होगी सचिव से, क्योंकि सचिव जी तो आप मालूम है कि वो इतने मतलब रूट तरीके से बात करते हैं, और अध्यक्ष जो आए नए उनका थोड़ा सा हमको फील हो रहा है कि विश्वास हो रहा है कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो खड़े उतर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, कितनी भर्तियाँ हैं इसमें, सारी चीज़ों के बारे में एक बार विवरण दे। देखो दोस्तों, ये सारी ये भर्तियाँ हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से 2015 से 2024 तक प्रकाशित लंबित भर्तियाँ। अब जितनी भी भर्तियों के नाम लिख रहे हैं, सारी भर्तियाँ हैं ये टोटल, दो यहाँ पर परीक्षा का नाम लिख रहा है, ये सारी की सारी भर्तियाँ अभी भी, मतलब ये मालूम मानचित्रकार की भर्ती है, IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, इसका रिजल्ट आएगा, इसका DB का रिजल्ट इसमें आ जाएगा अगस्त में, और तुम्हारी सहायक शोध अधिकारी और इसका रिजल्ट आना, मतलब इसका इंटरव्यू बाकी है। सम्मिलित तकनीकी सेवा, इसका अंतिम परिणाम लंबित है, और तुम्हारा ग्राम पंचायत BDO वाला, सम्मिलित अभियंता इसका आ गया है, मंडी परिषद इसका भी बाकी है, फॉरेस्ट गार्ड, IT इंस्ट्रक्टर और तुम्हारा मुख्य सेविका, ये IT इंस्ट्रक्टर पहले वाला है, इसकी इंटरव्यू होनी है और इसका ये रिजल्ट आना है DB का, मुख्य सेविका, बंदरोगा, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, इनकी परीक्षा नहीं होनी, प्रवर्तन अधिकारी, लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षक, नेत्र परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, नक्शा नवीसी और आयुर्वेदिक में सहायक स्टोर कीपर, सहायक अकाउंट ऑडिटर और कनिष्ठ विशेषक, सचिव श्रेणी 3 का है अभी जो आया थी भर्ती, और कृषि प्रावधिक जो AGT वाला है, अवर अभियंता सिविल का, ये बहुत बड़ी भर्ती आई है, और 4612 पदों पे होम्योपैथिक की भर्ती आई है। और टोटल अगर इसकी देखी जाए संख्या इसमें कि कितनी भर्तियों के, मतलब ये समझ लो कि 35,000 समथिंग भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग हैं या परीक्षा नहीं हुई है, अगर इतनी बड़ी संख्या में हैं तो लोगों के कुछ तो मतलब ये समझ लो आपकी बेरोजगारी दूर होगी अगर ये समय से कराता है तो। कोई समय सीमा नहीं है, समयबद्ध नहीं है, तो आज इसी के लिए इसका एक कैलेंडर जारी किया जाए और आयोग इस बात की पुष्टि करे कि हम इस परीक्षा को या फला परीक्षा को इतने दिन में करा के संबंधित विभाग को फाइल प्रेषित कर देंगे। तो इसीलिए इस कैलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा छात्रों में रोष है कि ये चीज़ समय से नहीं हो रही है। तो इसी के लिए आज आप 9 बजे से
ज़रूर जाइए, अगर लखनऊ के पास के हैं तो ज़रूर आपको जाने की कोशिश करें, जिससे आपका ही रिजल्ट है, आपकी ही परीक्षा है वो जल्दी होगी और आपकी बेरोज़गारी जल्दी दूर होगी। ठीक है दोस्तों, तो 35,000 पद हैं, कम नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। अगर ये सारी चीज़ समय से कंप्लीट कर, अब मैं कह रहा हूँ अगर 1.5-2 साल में भी कंप्लीट करा देगा तो बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ उसको, 2 साल में भी कंप्लीट करा दे और ये कैलेंडर दे देगा तो थोड़ा सा तो फॉलो करेगा, ना फॉलो करे लेकिन थोड़ा बहुत तो फॉलो होगा। इसीलिए कैलेंडर के लिए ज़्यादा मांग की जा रही छात्रों के द्वारा, इसीलिए ये आज UP SSC पे का बर्न पर हल्ला बोल किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों आज जरूर से जरूर जाइए और अपनी बात रखिए और कैलेंडर निकलवाइए और अपनी परीक्षा वगैरह करवाइए और ज्वाइनिंग लीजिए और इस बेरोजगारी के ठप्पे को दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।